सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. केंद्रीय सरकार ने 5 जून 2020 को कृषि नीति में परिवर्तन किया गया है. परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि मंडियों के बाहर जो व्यापारी व्यापार करेंगे और किसान का माल खरीदेंगे वो किसी भी प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी उन पर नहीं है, और जो मंडी में व्यापार करेगा उस पर राज्य सरकार के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. अलग अलग प्रदेशों में इसकी अलग अलग टैक्स है. आज के दिन एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है. ये भारतवर्ष में 4 राज्यों में आज एक साथ हड़ताल है, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान, ये 4 राज्यों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है. इसके बाद नेक्स्ट में पूरे हिंदुस्तान की मंडियों की हड़ताल होगी. मंडियों में हर स्टेट में मंडियां बनी हुई है. मंडी यार्ड में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, व्यापारियों द्वारा किया गया है. मंडी में व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएंगे, हमाल मजदूर टेम्पू वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे. कोरोना काल में भी ऐसे भी दुनिया भर की बेरोजगारी बढ़ी है. केंद्र सरकार को चाहिए बेरोजगारी कम करे, लेकिन इस नियम से बेरोजगारी डबल होती जा रही है. केंद्र सरकार MPS रेट जो खरीद की मूल्य तय करती है वो खरीद मूल्य उनको मंडी यार्ड में मिल सकता है. बाकी धीरे धीरे गवर्नमेंट ये रेटे तय करके गवर्नमेंट खरीदना चाहती है. वो धीरे धीरे नीति इस नीति के तहत वो बंद करना चाह रही है, ताकि किसानों को सही उपज का मूल्य कभी मिल नहीं सकेगा. बाहर से किसान से सीधा कोई माल ले जाएगा उसकी पेमेंट की गारंटी भी किसी की नहीं है. मंडी यार्ड में अगर किसान माल लाता है, पेमेंट कोई व्यापारी 2 दिन देर से भी देता है लेकिन उसका काम निबटता है, 2 दिन देर भी निबटता है. बाहर वाले कहीं से भी आके कई माल ले जाएगा, पेमेंट का क्या भरोसा है? समय खराब है. एक दिन के लिए बंद. किस तरीके का नुकसान एक दिन का पड़ेगा? एक दिन का नुकसान करीब 200 करोड़ रुपए मानो आप पूरे राजस्थान में. आपका नाम? मानक चंद सिसोदिया, अध्यक्ष होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन अजमेर.